नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्देशक न्यूज़, आपका अपना विशेष शिक्षा हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल अन्देशक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पहली बड़ी खबर है, पहली बार परिषदीय विद्यालय 16 जून से शुरू हो चुके हैं और क्या कुछ खास हुआ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। अन्देशक शिक्षा मित्र पहुँचे विद्यालय, विधिवत शिक्षण कार्य में अपना सहयोग किया है। साथियों, हम सबसे पहले अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक दूसरी बड़ी खबर दिखाएंगे अन्देशक और शिक्षा मित्रों से संबंधित, जो कि संविदा अवधि और संवर्गीकरण से संबंधित है। आदेश आया है, देश विशेष सचिव के द्वारा पारित किया गया है। क्या है इस आदेश में, हम आपको विस्तार पूर्वक पढ़कर बताएंगे। है वो महत्वपूर्ण आदेश, हम आपको इसमें विस्तार पूर्वक पढ़कर बताएंगे, पूरा आदेश दिखाएंगे। साथियों, देखते हैं आज की रिपोर्ट, क्या कुछ खास हुआ विद्यालय में। करें योग रही नहीं, शाबाश बच्चों, देखते हैं वो आदेश। प्रेषक आर वी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5, लखनऊ, दिनांक 15 जून 2022। विषय अंशकालिक अन्देशकों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया संबंधित शासनादेशों में संशोधन के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषय का अपने पद संख्या शिक्षा मित्र / अंशकालिक अन्देशक प्रस्ताव 14/01/2022-23 दिनांक 14/06/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के ग्रीष्मावकाश के बाद 16 जून 2022 से सत्र आरंभ होने के कारण अंशकालिक अन्देशकों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश संख्या 10/25/68/5/2019 दिनांक 29/11/2019 के प्रस्तर 2 (खा) के संबंध में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शासन आदेश दिनांक 29/11/2021 के प्रस्तर 2 (खा) में निम्नवत संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। शासन आदेश दिनांक 29/11/2019 के प्रस्तर 2 (खा) के प्राविधानिक व्यवस्था संशोधन प्राविधान नंबर 1, अंशकालिक अन्देशकों का कार्यकाल शैक्षिक सत्र में अधिकतम 11 माह का एवं संबंधित का कार्यकाल 1 जुलाई से 31 मई तक होगा। तदनुसार अंशकालिक अन्देशकों को 31 मई तक का मानदेय होगा। अंशकालिक अन्देशकों को सत्र में पूर्व की भांति अधिकतम 11 माह का मानदेय होगा। अंशकालिक अन्देशकों की संविदा की समय अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी, किंतु उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी को संविदा अवधि में अग्रणित नहीं किया जाएगा और ना ही मानदेय होगा। दूसरे पॉइंट जो कि पहले था उसको संशोधित किया गया है। पहले क्या था, अंशकालीन अन्देशकों के नवीनीकरण की कार्रवाई प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्त होने के कम 1 माह पूर्व अवश्य प्रारंभ की जाए। 31 मई के पूर्व अंशकालिक अन्देशकों का नवीनीकरण न किए जाने पर एवं संबंधित अंशकालिक अन्देशक के विरुद्ध अन्यथा तथ्य उद्घाटित होने पर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित होंगे। यदि जनपद द्वारा उक्त कार्रवाई 31 मई तक पूर्ण नहीं की जाती है, तो संबंधित अंशकालिक अन्देशक का स्वतः निवीकरण माना जाएगा। तदनुसार 31 मई से 30 जून के मध्य अनुबंधन पूर्ण करवाना अनिवार्य होगा। अब इसको संशोधित करके लिखा गया है, अंशकालिक अन्देशकों के नवीनीकरण की कार्रवाई प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्ति होने के कम 1 माह पूर्व अवश्य प्रारंभ की जाए। 31 मई से पूर्व अंशकालिक अन्देशकों का नवीनीकरण न किए जाने पर एवं संबंधित अंशकालिक अन्देशक के विरुद्ध अन्यथा तथ्य
उद्घाटित होने पर संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि जनपद द्वारा उक्त कार्रवाई 31 मई तक पूर्ण नहीं की जाती है तो संबंधित अंशकालिक अधीक्षक का स्वतः नवीनीकरण माना जाएगा। तदनुसार 31 मई 15 जून के मध्य अनुबंध पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। तो साथियों, आप समझ गए होंगे क्या संशोधन हुआ है, क्या परिवर्तन किया गया है और शासनादेश में क्या बदलाव किया गया है। 3 नंबर पॉइंट में है, अतः शासन द्वारा दिए गए उक्त निर्णय के अनुपालन में अग्रतर कार्रवाई कराने का कष्ट करें। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 10/25/68/5/2019 दिनांक 29/11/2019 के अन्य प्राविधान यथावत बने रहेंगे। भवदीय आरवी सिंह, विशेष सचिव। तो साथियों, आपने देखा ये आदेश 15 जून को आ चुका है, लिहाजा आप सभी लोग विधिवत स्कूल जाएं और शिक्षण कार्य में विद्यादान सहयोग करें। तो साथियों, एक और बड़ी खबर है, यहाँ पर अन्वेषक मिलेंगे नियमितीकरण के लिए माननीय मोदी जी से, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है अन्वेषक नियमितीकरण अवश्य होगा। आपके जिले में क्या तैयारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने की। तो साथियों, आज के समाचार में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।